लोगों ने जो है कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली हमको जी। तो दो दिन से 14-14 घंटे की क्लास लगातार चल रही सर। और उस 14 घंटे, अच्छा ये थोड़ा 14 घंटे का कॉन्सेप्ट व्यूअर्स का ये क्लियर करो कि 14 घंटे यहाँ बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे साथ चाय पीते हैं, समोसा खिलाते हैं, तुमको कंधे पे हाथ रखते हैं, इस टाइप का काम होता है क्या? कुछ भी नहीं सर। श्रीमान जी बात इस चीज की है कि यहाँ पर हम लोग इतनी दूर से केवल पढ़ाई करने के पर्पज से आते हैं, तो केवल यहाँ पर पढ़ाई होती है बराबर, बाकी यहाँ घूमना टहलना बातचीत करना कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी अलाउ नहीं है? कुछ भी अलाउ नहीं है। डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी चीज है, बिना डिसिप्लिन के जिंदगी बेकार है सर। कोई काम करना दो दिन की क्लास के बारे में क्या बोलेंगे? टोटल दो दिन की क्लास ये है सर, जो 10 साल का बंदा का टेक्नीशियन है ना वो फेल है 2 दिन के अंदर। अच्छा, 2 दिन के सामने फेल है सर। कौन कौन कर सकता है यूनिवर्सल? सब कर सकते हैं। क्या मिल गया ऐसा भाई? 2 घंटे तो आपको आपके ट्रिक पे नाच है। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर। अगर रजिस्टर्ड किस किस को चेक करना है यहाँ पर सर, थर्मिस्टर कौन कौन ढूंढ के निकाल सकता है बिना डायग्राम के? लोग तो कहते हैं डायग्राम के बिना निकलता नहीं है, हम निकालेंगे ना। मुझे बताइए आज कॉइल और डायोड कौन कौन चेक करने वाला है? यूनिवर्सल से रिवॉल्व कर लूंगा उसमें भी डबल टेकर सर, डबल टेकर डबल टेकर। मुझे बताओ कल पावर एसी निकाल का लाइव कौन कौन लगाने वाला है? चालू सब लगाने वाले हैं, देखिएगा इनका लाइव कल सवेरे, ठीक है? सो 50 साल भी करने से नहीं होता, जो कि 2 दिन में मैं सीखा हूँ, जो 2 दिन में सीखी। और भी अगर 50 साल रहता तब भी नहीं हो पाता, तब भी नहीं। इधर आके 2 दिन में जितना सीखा। अच्छा, पास का नॉलेज हो गया अपना, रिवॉल्विंग हो गया सर के साथ जो कंपोनेंट का क्लास हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Yeah.
पावर आईसी निकाल के लगाना था अच्छी तरीके से, बाकी अपने आपको जीआरबी चेक करना था उसी जगह। अच्छा तो किस किसने सक्सेस करा ये? देखो ये चीजें आपकी हैंड स्किल की चलती रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपका? कंपोनेंट। कंपोनेंट कल थी कंपोनेंट वन की क्लास, कल की क्लास था, किसी को डाउट? नो सर। सबका क्लियर है? अच्छा, और आज सेकंड डे की क्लास और अच्छी हुई सर। आज तो सर ने बताया डाइवर्ट के बारे में जो कि एकदम क्लियरली, जो आप लोग हम लोगों को कुछ नहीं था समझ में आता, अब वो इतने क्लियरली बता दिया कि अब देख कर ही बता देंगे वो। नॉर्मल डाइवर्ट की बात करूं मैं, क्लियर है? टीवीएस डाइवर्ट की बात करूं मैं, क्लियर है? शॉर्ट की डाइवर्ट की बात करूं, क्लियर है? है ना? जीरा डाइवर्ट की बात करूं, क्लियर है? है ना? और ईएसडी डाइवर्ट की बात करूं तो क्लियर है? क्लियर है सबका? Yes, sir. आप बोर्ड में ट्रेस कर सकते हो? Yes, sir. ढूंढ सकते हो? Yes, sir. टेस्टिंग कर सकते हो? Yes, sir. क्या रीडिंग आएगी बताया आपको? Yes, sir. अगर मैं बोल दूं कि आपके बोर्ड में से 25 डायवर्ट किसी ने निकाल दिए तो आप उसको लगा सकते हो? नहीं लगा सकते? Yes, sir. लगा सकते हो? Yes, sir. आपको वो नॉलेज है? Yes, sir. ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि बक कॉइल का काम क्या है, नॉर्मल कॉइल का काम क्या है, बूस्ट कॉइल का काम क्या है, डुअल कॉइल का काम क्या है और कपलर कॉइल का काम क्या है, कौन कौन बता सकता है? सब बता सकते हैं? यस सर। तो सर को सर से कैसा नॉलेज मिला आपको? सर ने ऐसा आया और 20 मिनट में कंपोनेंट पढ़ा दिया और चले गए? फिर क्या करा तुमने? सर ने एकदम 6 घंटे दो कंपोनेंट में क्या के लिए? सर क्लियरली बताया उन्होंने, एक एक चीज को डीपली में जाके बताया। अच्छा, प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, ये नहीं कि बोल के सिर्फ चले गए, वो खुद बताए भी और चेक करके भी टेस्टिंग बताए। तो भाई एशिया टेलीकॉम के जो रात के रिव्यू होते हैं तो सब देखते हैं, बोलते हैं यार ये इंस्टीट्यूट क्या है, ये कोई देवरतन अग्रवाल सर का जो इंस्टीट्यूट है, क्या स्टूडेंट को क्या धराता है, धमकाता है या जबरदस्ती रिव्यू दिलवाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर। तो आप फीस देके बैठे हो कि बिना फीस के बैठे हो? गलत रिव्यू दोगे क्या? नहीं सर। तो दूसरा दिन, दूसरे दिन में क्या मिला आपको? पहला दिन और दूसरे दिन में क्या क्या मिल गया आपको? कंपोनेंट्स, ईएमएमसी और सीपीयू। रिवॉल्विंग सीपीयू कौन सा करा था? दो ही टेकर। वन टेकर। प्रॉपर स्टेंसिल से करा था? यस सर। यूनिवर्सल सर। कौन कौन कर सकता है? यूनिवर्सल सर सब कर सकते हैं? यस सर। क्या मिल गया ऐसा भाई? क्या करते रहते हो 10 रुपए की ब्लेड के साथ तुम? हेलो, क्या करते रहते हो 10 रुपए की ब्लेड के साथ? ऑमलेट, ऑमलेट। आज उस ब्लेड का सही यूज देखा सर? सही यूज देखा? यस सर। तो आपकी स्टेंसिल, आपकी आईसी आपके स्टेंसिल के अंदर रहती है, उसके पहले मालूम पड़ जाता है कि आईसी सही बनेगी या गलत बनेगी? बाहर निकालने से पहले मालूम पड़ जाता है? यस सर। तरीका है आपके पास? यस सर। हिडन तरीका है बताना नहीं? यस सर। हिडन तरीका है बताना नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये बताइए मेरे को कि आज ओवरऑल हमारे दोनों कंपोनेंट खत्म हो गए? यस सर। ठीक है, अभी उसमें किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? नहीं सर। कंपोनेंट पहले दिन से 30 दिन तक कभी खत्म नहीं होगा। पर बाकी मैं अगर टेस्टिंग की बात करूं तो टेस्टिंग क्लियर है आपकी? यस सर। पहचान क्लियर है? यस सर। क्या काम होता है ये क्लियर है? यस सर। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमित है जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विराट है, मैं औरंगाबाद से हूँ। चलिए अमित, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आज सुबह से लेके आपकी सुबह 8 बजे से क्लास थी और समय हो रहा है ईमानदारी से 10 बजे रही है, तो कितने 8 घंटे 10 घंटे की क्लास हो गई आपकी? यस सर। कितने घंटे की क्लास? सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कितने घंटे? 14 घंटे हो जाते हैं। एशिया टेलीकॉम तो बोलता है कि 12 घंटे पढ़ाता है, फिर 14 घंटे का टाइम यहां पर फिक्स नहीं है सर। टाइम बढ़ता ही रहता है। जब तक आने का टाइम डाउट क्लियर नहीं होता, आने का टाइम फिक्स नहीं है, जाने का टाइम फिक्स नहीं है सर। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक नहीं जा सकते, है ना? नहीं सर, आज की रोटी आज ही खाना है ना? यस सर। कल फिर गड्ढा खोदना है, रात को पानी पीना है? यस सर। है ना, ऐसे ही होता है? यस सर। ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो आज का जो हमारा टास्क था वो सबका क्लियर हुआ? यस सर। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इधर क्लियर हो गया आज का? यस सर। है आवाज नहीं आई? यस सर। हाँ चलिए, तो आज सवेरे से रात तक आपने 10 बजे तक क्या किया? सर सवेरे आया, सबसे पहले एएम सीपीयू रिवॉल्व के डुअल लेकर जी। इसके पहले तो करते थे आप?
इसके पहले करते थे ढूंढ लेकर क्या? नहीं, आज तक खोला भी नहीं है। खोला भी नहीं? खोला। ईमानदारी से? ईमानदारी से। भाई सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। दो बार किया, एक बार दो बार। अच्छा, एक बार पावर वाइज से ही बोल रहे। अच्छा, और दोपहर को 12 से शाम 6 तक देव सर की क्लास थी जी। क्या कर रहे थे 12 बजे से 6 बजे तक? क्या कर रहे थे सर तुम्हारे? टोटल कंपाउंड की जानकारी थी, विद प्रैक्टिकल के साथ। विद प्रैक्टिकल के साथ? विद प्रैक्टिकल, और एक एक कंपाउंड चेक करके मल्टीमीटर के साथ पूरा वैल्यू दिखा दिखा के एक एक कंपाउंड की जानकारी थी। एक बार बताते कि 5-7 बार बताते? जितने बार डाउट क्लियर हो तब तक बताते। तब तक बोले 10 बार पूछे, 20 बार पूछे। फिर 6 बजे से रात के 10 बजे तक क्या किया? वही चीज़ों को हमने प्रैक्टिकल किया, अपने हाथों से एक एक चीज़ को हमने चेक किया। तो आज की क्लास के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे आप? तो बहुत ही शानदार क्लास थी। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। बताइए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। विराट। विराट कहाँ से हो भाई? औरंगाबाद बिहार से। औरंगाबाद बिहार से? औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी होता है? जी सर। बिहार में भी? ये बिहार वाला है सर। अच्छा, बिहार वाला। यस सर। तो कितने साल से काम कर रहे हो आप? कर तो रहा था सर 10 साल से, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था हमें। तो 10 साल का और 2 दिन का अनुभव में क्या क्या भारी है? 10 साल भारी है कि 2 दिन भारी है? सर वैसे देखा जाए तो कंपैरिजन में मामले में सीखने में तो 2 दिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। 10 साल तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। 2 दिन भारी पड़ गए? 2 दिन भारी पड़ गए। भारी पड़ गए। तो अभी मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो आपके दोपहर में क्लास थी आपकी देव सर के साथ कंपोनेंट की। यस सर। क्या नॉलेज है सर का? डिलीवर करने का तरीका क्या है? एनर्जी का लेवल क्या है? क्या कैसा समझाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप। सर जो भी समझाते हैं वो डीपली समझाते हैं, और जब तक कंफ्यूजन क्लियर ना हो तब तक समझाते हैं। ये नहीं कि बीच में बोल के चले गए, ऐसा नहीं है। अपना जब तक वो बोले, जब तक क्लियर ना हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार 10 बार जितने बार पूछोगे आप उतने बार बताएंगे। कंक्लूजन क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन क्लियर है? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ 2 स्टूडेंट और हैं, आइए इधर, इधर आ जाइए। हाँ, 2 इधर आगे आ जाइए। नाम बताइए अपना। सर्वेश। सर्वेश, आपका नाम? अर्शदीप। अर्शदीप, तो बताइए सर्वेश, कैसी रही क्लास आज की, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 10 बजे तक? बहुत अच्छी क्लास रही सर, सुबह से लेकर अभी तक, और बहुत आनंद भी आया। अच्छा। क्योंकि जब कोई इंसान कोई चीज़ को अच्छे से करने लग जाते हैं तो उसके दिल में एक अलग सी खुशी जाहिर होता है कि मैं उसको अधिक से अधिक करते रहूँ और बेटर से बेटर करते रहूँ। और जब हम लोग के सुबह में डबल ट्रैकर सीपीओ पे हम लोग काम किए, जो कभी जीवन में सोचे भी नहीं थे कि हम कर पाएंगे। अच्छा जी। और फर्स्ट बार नहीं, दूसरे बार में सीपीयू लगा, सीपीयू को रिवॉल्व करके हम सर को दिखाए तो 100% ओके था। कभी सपनों भी नहीं सोचे थे, जिसका कल्पना भी हम नहीं किए थे कि हम डबल ट्रैकर सीपीयू पर काम कर पाएंगे। और एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए आपके जीवन में एक अच्छे गुरु की जरूरत है, एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, जो कि हमारे जीवन में नहीं थे, लेकिन हमारे जीवन में हमारे देव सर आए, जिन्होंने एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बताए कि एक एक कंपोनेंट्स की क्या वैल्यू है, सब वैल्यू हम लोग को समझाए, प्रैक्टिकल समझाए। और जो हम वहाँ थ्योरी में पढ़े, फिर शाम के टाइम में यहाँ प्रैक्टिकल में अपने MD सर के साथ सारी बातों को शेयर किया, और उन्होंने हमको अभी तक बताया, और बहुत सुपर से ऊपर क्लास रही। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, अर्शदीप, जम्मू से इतनी दूर। सर वहाँ पे आसपास काफ़ी जगह सीखा, कोशिश की, पैसे भी खर्च किए, पर जो यहाँ पे मिला आके रिजल्ट है, पहले तो डर था ये कि क्या मिलेगा, इतनी दूर आना भी था। हाँ। और यहाँ पे आके अब मतलब कि ठीक लग रहा है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से, खाली हाथ ही जाएंगे। तो प्रैक्टिकल पूरा मिल रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो सर के साथ क्लासेस होती है, क्या लेवल है सर का? सर का लेवल मतलब कि वो तब तक हम अगर रात तक बैठे रहेंगे ना, वो तब तक पढ़ाते रहेंगे। तब तक पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, वो हम ही है कि थक जाते हैं कि सर अब हमारी बस हो गई, नहीं तो पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर होती है हमें, ये नहीं कि अपना हमें कुछ रह जाएगा तो कोई बात है, पर सब कुछ क्लियर करेंगे हम, सारा सब कुछ, सब कुछ क्लियर करेंगे। और इतनी जल्दी जो जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो हमने सोचा भी था, वो एक चीज़ आप प्रॉपर वे में सही तरीके से सीख रहे हैं। जी, सही तरीका है ये जी, सिखाने का सही तरीका है जी, सर। पढ़ने ये टेक्निक लें तो इतनी दूर आए, ये टेक्निक होगी तो आप इतनी दूर आएंगे तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे सर। तो ये बताइए मेरे को कि अर्शदीप, अगर कोई आपको देख रहा है अभी और देखने के बाद उसको क्या क्या करना चाहिए उसके अंदर, अगर मन बना रहा है एशिया डेली का, मन बना रहा है तो बेहिचक बेधर एक बार में आना चाहिए, आ जाना चाहिए सर, आ जाना चाहिए जी सर। गारंटी कौन लेगा? गारंटी हम लेंगे, गारंटी आप लोग। जी सर, बड़ी बात बोल रहे हो जी सर, 2 दिन की क्लास में बड़ी बात बोल रहे हो जी सर, उतना उम्मीद उतना एहसास हो गया कि 2 दिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी सर जी।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए दो जने आइए। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट और हैं, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नौशाद है, मैं प्रतापगढ़ यूपी से। नौशाद यूपी से हो आप जी? चंदन सोनू छत्तीसगढ़ से हो। चंदन, चंदन ये बताइए आपका आज दूसरे दिन का क्लास है आपका, और आपका भी दूसरे दिन का नौशाद क्लास है आपका, तो क्या लगा आपको क्लास के अंदर? सर सबसे पहले सुबह आज पहले सीपीयू रिवाल की है, ठीक है सर, पावर आज रिवाल की है, उसके बाद सीपीयू की दो बार डबल टेक करके। कौन सी एक्सटेंशन सर? यूनिवर्सल में किए सर। उसके बाद एक एक बार में डन हुआ। और उसके बाद? उसके बाद फिर सर लंच हुआ था 20 मिनट के लिए, उसके बाद देव सर 20 मिनट के लिए, बस 20 मिनट के लिए। अच्छा, फिर? फिर देव सर की क्लास के लिए लगातार 4 घंटे, फिर 20 मिनट का ब्रेक। वो भी सर 20 मिनट नहीं दे रहे थे, सब रिक्वेस्ट किए तो मान गए, नहीं तो 15 ही दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर चला, फिर 6 बजे तक, फिर 6 बजे। तो सर के साथ क्लास में क्या लगा? सर एक नंबर पढ़ाए, बिल्कुल समझाए, सबको साथ में लेके चले, जो जिसको डाउट रहता बिल्कुल बोल देता, बेचक बोलते हैं खड़े हो जाओ पूछो क्या दिक्कत है, सब समझा देते हैं अच्छे से। उसके बाद वही आके तो 2 दिन में कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद फिर क्या किया आपने? सर वही आके प्रैक्टिकल किए सर। उसके बाद सर आपने बताया ये पावर आश उठाओ पाइप एक्सेट्रा। नहीं तो आपने जो दो कंपोनेंट थे उसको कितना समय दिया तुमने यहाँ पर? सर उसको भी चेक किया अच्छे। नहीं उसको समय कितना दिया आपने, मतलब समय दिया कि नहीं दिया आपने? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? तो हाँ सर वो तो हो गया, एक एक चीज क्लियर हो गई सर। सारे प्रकार के डायोड जितने प्रकार के होते हैं सारे, जितनी प्रकार की कॉइल होती है सारी। हाँ सर, कितने कॉइल है, कितने रेजिस्टेंस, तो आप सुनने में आ रहे हैं टीवीएस नाम से भी होते हैं। अच्छा, टीवीएस के तो गाड़ी समझते थे पहले। हाँ सर, रजिस्टर भी होते हैं, भूलना नहीं है, सबको याद आ जाएगा, सबको याद आ जाएगा बिल्कुल। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, तो बताइए। सर आज सुबह से काफ़ी अच्छा क्लास रहा जी, जो मतलब सुने थे उससे बेटर मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, बाकी स्टूडेंट में बाकी इंस्टीट्यूट में सुनते हैं कि हम ये टॉपिक क्लियर कराएंगे, उससे आप समझे ना समझे वो आपके ऊपर है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ यहाँ का अच्छा लगा कि यहाँ पे हम आपसे कराएंगे। हाँ, करने पे विश्वास बिलीव करते हैं। हाँ, मतलब करवाने पे बिलीव करते हैं, करने पे बिलीव नहीं करते। हाँ, हम आपसे ये करा के रहेंगे बराबर है, एक दिन में चाहे दो दिन में, जो पॉइंट। तो जैसे कल हमारा जो कॉन्सेप्ट था, कल की तारीख में कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं का? जी सर। और आज की तारीख में आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हुआ, मतलब हमने तो कर दिया, आपसे हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल मेरे से भी हुआ, वो कराए आपने हमसे, अब हम किए। आज पावर आज 3 बार रिवॉल्व किया मैंने, बराबर है, डुअल लेकर रिवॉल्व किया जी, और अभी पावर आईसी रिवॉल्व करके बोर्ड में लगाया, अभी कंफर्म चेक करके। तो कैसा लग रहा है सब? बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। मैं कंपोनेंट की बात करूँ, 2 दिन में आप कंपोनेंट सब समझ में आ गए? कंपोनेंट पूरे डिटेल में सर, इतने डिटेल में आज तक पर जानकारी भी नहीं था। बराबर है, तो जो यूट्यूब वगैरह वाला या इस टाइप वाला नॉलेज तो नहीं मिलता ना? नहीं सर, डीपली नॉलेज है। डीपली नॉलेज है, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट और हैं जी, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम सलीम है सर। सलीम, मुजफ्फरनगर यूपी से। मुजफ्फरनगर यूपी से जी सर। और आपका नाम भी बता दीजिए। राजू मौर्य, लखनऊ यूपी से सर। राजू मौर्य, तो सलीम ये बताइए मेरे को कि आपको क्लासेस कैसी लगी? सुपर सर, सुबह से लेकर शाम तक की। सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सुपर सर। तो जितना प्रैक्टिकल होता है उतनी थ्योरी होती है जी सर। और अभी आपकी दोपहर में क्लास थी देव सर के साथ, तो बताएं थोड़ा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? कंपोनेंट्स की क्लास चली है सर 2 दिन से जी, जितना घुसते जा रहे हैं मजा आता जा रहा है सर। मजा आता जा रहा है जी सर। सर इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं सर, पता नहीं चलता पढ़ने का, कितनी देर हो गई है और कब सर कब तक पढ़ा रहे हैं सर। बराबर जी सर। और तो जो सर पढ़ाते हैं वो सर पढ़ाते हैं तो YouTube की भाषा में पढ़ाते हैं कि मतलब किस? नहीं सर, YouTube में तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं भी खोजेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। बराबर है जी सर। तो आपको खुशी होती है कि आप एक ऐसे टीचर से पढ़ने आ रहे हैं जो ऑनर भी हैं टीचर भी हैं? बहुत खुशी होती है सर। 3 बुक्स लिख रखी है उन्होंने जी सर, है ना जी सर। और सबके मेन टीचर है यहाँ पर जी सर। 6 टीचरों की टीम के साथ आप पढ़ रहे हो, है ना? 4 तो मिल गए आपको, 2 अभी और मिलने वाले हैं जी सर, है ना? समय समय पे आएंगे वो, है ना? उनकी क्लासेस में ज्वाइन करेंगे आप। तो 6 टीचर, बड़ी टीम, बड़ा नाम एशिया टेलीकॉम, तो नाम बड़ा है कि काम भी बड़ा है? काम बड़ा है सर, जब तो नाम बड़ा है, काम बड़ा है इसलिए नाम बड़ा है। तो 2 दिन की बात करूँ मैं तो
सलीम, दो दिन की क्लास के टोटल दोनों दो दिन की क्लास के बारे में क्या बोलेंगे? टोटल दो दिन की क्लास ये है सर, जो 10 साल का बंदा का टेक्नीशियन है ना वो फेल है 2 दिन के अंदर। अच्छा, 2 दिन के सामने फेल है सर। 2 दिन के सामने फेल जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम राजू मौर्य, मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ। अच्छा राजू, आज हमारा दूसरा दिन है जी, इसमें हम लोगों ने जो है कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली हमको जी। दो दिन से 14-14 घंटे की क्लास लगातार चल रही सर, और उस 14 घंटे, अच्छा ये थोड़ा 14 घंटे का कॉन्सेप्ट व्यूअर्स का ये क्लियर करो कि 14 घंटे यहाँ बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे साथ चाय पीते हैं, समोसा खिलाते हैं, तुमको कंधे पे हाथ रखते हैं, इस टाइप का काम होता है क्या? कुछ भी नहीं सर श्रीमान जी, बात इस चीज़ की है कि यहाँ पर हम लोग इतनी दूर से केवल पढ़ाई करने के पर्पज से आते हैं, तो केवल यहाँ पर पढ़ाई होती है बराबर, बाकी यहाँ घूमना टहलना बातचीत करना कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी अलाउ नहीं है? कुछ भी अलाउ नहीं है। डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी चीज है, बिना डिसिप्लिन के जिंदगी बेकार है सर, कोई काम करना बेकार है। और दो दिन से जो हमने यहाँ पर सीखा है कैपेसिटर रजिस्टर डायोड क्वायर जी, आज डायोड और क्वायर का 2 दिन देवसर का क्लास था, मतलब आज पूरे दिन से 6 घंटे उन्होंने क्लास लिया, उन्होंने पूरी डीपली अच्छे तरीके से, जो एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि एक सरल भाषा में किसी चीज को समझाना बराबर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बच्चा आसानी भाषा में समझ जाए बराबर, उस भाषा में समझाते हैं सर कि जिस कोई भी बच्चा समझ जाएगा आसानी से। तो जो हम लोग 2-4-5 साल से तुक्का लगा रहे थे, उस तुक्का को बिल्कुल अब ढक दिया, खत्म कर दिया, दिमाग खाली करके अपना सर की केवल बात सुनते हैं, अच्छे तरीके से एक एक डीपली नॉलेज मिलता है, जो हमने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा यहाँ पर जानकारी मिल रही है, और जितनी थ्योरी होती है उसका 1.5 गुना प्रैक्टिकल होता है, वो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और हमारे MD सर हैं वो तो एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं, प्रैक्टिकल में मतलब कुछ है ही नहीं, थ्योरी में समझो कि 6 घंटे सीखो यहाँ, 1 घंटे में सब कुछ क्लियर। वो 6 घंटे का निष्कर्ष आपको यहाँ पर मिलता है, वो ये क्लास भी सर ने लगी है, वो जो हमको पढ़ाने का पैटर्न दिया है वो भी देव सर ने दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया है। जी जी। अगर MMC का भी अगर आपका टीच मिलेगा तो वो किसके अंडर होता है? देव सर के अंदर होता है। देव सर पूरी क्लास लेते हैं, जैसे आप लोगों की क्लास लेते हैं ऐसे हम लोगों की क्लास लेते हैं, कि आपको क्लास में क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है ना, आपकी नीड क्या है, आपको क्या पढ़ाना है, आपकी इस चीज़ पे डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन होके उनके मुताबिक ही क्लास होती है यहाँ पर। हमारी हम हमारी तरफ से कुछ नहीं करते, सारा का सारा ट्यून्ड होता है हमारा कि सर वो जो देखे गए हैं उसका बकायदा सारे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल होना चाहिए, और यूजर फ्रेंडली भाषा में, मतलब जिसको बोले कि अपन व्यवहारिक भाषा में, व्यवहारिक भाषा में उसको समझाया होना चाहिए। रीजन ये है कि हर कोई यहाँ पे इंजीनियर नहीं बैठा है, ग्रेजुएट नहीं बैठा है यहाँ पर, है ना, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई इंजीनियर भी बैठा है यहाँ पर, और कोई कम पढ़ा लिखा भी बैठा है। तो आपकी भाषा ऐसी होना चाहिए कि वो भाषा को आपको आसानी से समझ सके, क्योंकि सारे प्रांतों से आते हैं, सारी भाषाओं से आते हैं, तो जो रोजमर्रा की हमारे शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, व्यवहारिक भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल होता है सर, बहुत ही आसान भाषा में समझा जाता है, जो बंदे को 2 घंटे का चीज 2 मिनट में समझ में आ जाता है, बिल्कुल सरल भाषा, जैसे कि दाल चावल हम लोग खाते हैं ऐसे रिपेयरिंग यहाँ खा रहे सर, सीधी भाषा में ये सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने सोचा था उससे भी जबरदस्त यहाँ पर क्लास चलती सर, जो मैंने सवाल हम लोग के दिमाग में उठता है उससे वो सब भूल गए, बिना कुछ पूछे ही सब कुछ सरल भाषा में समझ जाते सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, वेलकम सर। तो हमारे साथ 2 स्टूडेंट और हैं सर। मैं राहुल हूँ गाजियाबाद से। राहुल गाजियाबाद से, यूपी से। और आप कहाँ से? मथुरा। मथुरा, मथुरा कहाँ? यूपी। मथुरा यूपी में, आप मथुरा से। तो भाई ये बताइए मेरे को कि क्या क्लास थी आज हमारी? सर क्लास तो हमारी 2 दिन से कंपोनेंट की चल रही है। ठीक है, क्लास तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं सर एक बात कहना चाहूँगा सर, देव सर का और यहाँ के टीचरों का ज्ञान बहुत है सर उनके पास, क्योंकि देखो हम इतने सारे बच्चे हैं, हम इतने, मैं खुद 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब फॉलो करने के बाद हर किसी के माइंड में ये रहता है यहाँ पे आने से पहले कि मेरा दिमाग कैसा है, या ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का दिमाग एक सा है, हर बच्चे का दिमाग तेज है, कि हम वहाँ जाते ही हम कि वो सर हमें गुट्टे कुछ घोल के पिलाएंगे और हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सब यंग हैं, पैसे भी दे रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन सर को इतना ज्ञान है कि वो इस तरीके से हमें सिखाते हैं कि बच्चा कितना भी कमज़ोर हो बराबर, उनके पास ट्रिक इतनी है कि एक से नहीं सीखेगा, दूसरी से सीखेगा, दूसरी से नहीं सीखेगा, तीसरी से सीखेगा बराबर, उनके पास ट्रिक इतनी है कि वो सिखाकर ही छोड़ेंगे बराबर, इसलिए हम लेट हो जाते हैं
कहते हैं ना कि सर 12 घंटे 14 घंटे क्यों लगते हैं, हमें इसलिए लगते हैं क्योंकि हर बच्चे का दिमाग एक सा नहीं होता। मैं खुद ऐसा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग भी कम है, मैं भी सोचता था कि मुझे नहीं सीख पाऊंगा मैं वहाँ जाके, मतलब कुछ सीखूंगा कुछ नहीं सीखूंगा। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सुबह आती तो मैंने ड्यूल डेकर भी करा, ठीक है कंपोनेंट की क्लास भी ली, ठीक है। पहले समझ नहीं आया लेकिन सर ने फिर दूसरे तरीके से समझाया, समझ में आया, एंड में आके समझ आया। फिर उसके बाद मैंने सर फर्स्ट टाइम पावर आईसी निकाली भी और लगाई भी, जो कि अब से पहले कभी नहीं निकाली थी। मतलब सोचता भी था ना निकालने के लिए, तो वो एक बार सोचा भी था करा भी था, लेकिन वो सर आईसी जो है ना बेकार हो गई, सारी बॉले वगैरह सब मिल गई। फिर जब बंदे का ना विश्वास टूट जाता है जब करने लगता है ना, फिर बेकार हो जाता काम, तो फिर मन नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रिक नहीं थी सर हमारे पास। और सर जब आपने ट्रिक बताई, देव सर ने ट्रिक बताई, तो सर हमें नॉलेज आई, थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा हमारा करने का, और उसी वजह से हम कर पाए। तो मुझे ये लगता है कि सर यहाँ पे आने के बाद जो है ना सर ट्रिक भी होती है, और सर का ज्ञान इतना है कि मतलब वो कोशिश पूरी करते हैं कि बच्चे को सिखा कर ही भेजेंगे। और यही यहाँ की नॉलेज है कि बच्चा इसलिए ही आता है यहाँ पे। एक महीने पहले जो सर वो टिकट कराते हैं ना, मैंने खुद 2 महीने पहले बुकिंग कराई थी। क्यों कराई थी? इसी वजह से कराई थी क्योंकि मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था और हर दिन का मैं सर रिव्यू देखता था हर बच्चे का, क्योंकि सर बच्चे हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, क्लास में तो हम जा नहीं रहे, हम सर यंग है, मेरी शादी हो चुकी है, पैसा भी दे रहे हैं सारी चीज़ें सर, तो हम यहाँ सीखने आए हैं। और हमें जो देख रहे हैं इस टाइम जो भी फेसबुक पे लाइव हैं जी, वो सिर्फ ये देख कर आए हैं कि हम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम सीख सकते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। बराबर, ठीक है ना सर? बराबर है। तो राहुल मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आप देव सर के लिए बारे में क्या बोलोगे सर? सर देव सर तो सर उनके लिए सर शब्द नहीं है, क्योंकि सर देखो वो हैं तो आप भी हैं और आप हो तो हम भी हैं। बराबर जी सर। तो इसी वजह से मैं उनके लिए शब्द नहीं, क्योंकि हर कोई तारीफ उनकी क्यों करता है सर, इसलिए ही तारीफ करता है क्योंकि वो हैं तो इंस्टीट्यूट चल रहा है सर। बराबर। अगर वो नहीं होते तो सर मुझे नहीं लगता कि हर महीने पहले से पहले कोई टिकट बुक कराता। बराबर। आप इनको देखिए, ये आइकॉन है आपके, आपके क्या है सर, ये आइकॉन ये हमारे सर सलमान खान के आइकॉन है सर, ये सलमान खान है। जैसे सर मुंबई जाते हैं ना बच्चे, मतलब कोई भी मुंबई जाता है शाहरुख को देखने, सलमान को देखने, तो किसी उम्मीद से जाता है, लेकिन हम यहाँ देखने तो आए हैं प्लस इनसे कुछ सीखने भी आए हैं। बराबर है। हम और इनसे लेकर ही जाएंगे 100%। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सर, पूरी है, बिल्कुल मिलेगा आपको सर, बिल्कुल मिलेगा जी सर। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हाँ सर, मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से इतनी दूर से भाई जबलपुर, क्या उम्मीद 2 दिन की क्लास, क्या क्या मिला है 2 दिन में? 2 दिन में आईसी लगाना और कंपोनेंट की पहचान करना, 2 दिन में ही, ओनली 2 दिन में ही आईसी की पहचान करना, आईसी की नहीं कंपोनेंट की पहचान करना, ऑल कंपोनेंट। बराबर है, बराबर डन हो गए आपके? डन हो गए। अगर मैं बोलूँ कि आप कोई से भाई कोई सा भी सीपीयू दे दूं आपको तो आप रिवाल कर सकते हैं, कोई पीसीबी दे दूं आपको तो जो देव सर ने 2 दिन आपको कंपोनेंट की क्लास दी है पूरे ट्रेस करके बता सकते हो कि नहीं बता सकते? सर ट्रेस, एक एक कंपोनेंट ट्रेस क्लास। तो मेरे भाई अब ये बताओ मेरे को कि 2 दिन की क्लास सब वादे के मुताबिक आपको मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल सर। ये इतना सब सोच के आए थे कि 1-2 दिन में मेरे को इतना मिल जाएगा? नहीं इतना नहीं सोच के आए थे। आप कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। बराबर है। अभी कोई जाने का टाइम नहीं है, जब फ्री हो जाएंगे जब ही जाएंगे यहाँ से। बराबर है। तो घर वाले भी देख रहे हैं आपको, तो क्या बोलना चाहोगे घर वालों को? बस बढ़िया है और ठीक है। तो समय मिल पढ़ाई का घंटे बता दो कि कितने घंटे पढ़ते हैं यहाँ पर? 12 घंटे बोलते हैं, 15 भी निकल जाए 14 भी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ इधर आइए नेक्स्ट। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। अरविंद सिंह, वेस्ट बंगाल। अरविंद सिंह वेस्ट बंगाल। आप? मोहम्मद अरमान, महाराष्ट्र। तो अरमान सबसे पहले तुमसे पूछना चाहूंगा कि 2 दिन की क्लास कैसी लगी भाई आपको? बहुत अच्छी थी सर। कंपोनेंट का? सर एक एक कंपोनेंट चेक करवाए, बताए नॉर्मली और थ्योरली दोनों तरीके से बताए, ऐसा नहीं कि थ्योरी पर आकर छोड़ दिया, हाँ ये लिख लीजिए बस हो गया। बराबर। सर अच्छे से समझाए भी, उसको बताए भी, साथ में प्रैक्टिकल करके भी दिखाए, और उसके बाद भी अलग से प्रैक्टिकल का एक अलग से लैब है जो आप देख ही रहे होंगे, यहाँ अलग से उस चीज को बताया जाता है। बराबर। तो 2 दिन में कंपोनेंट के सारे डाउट क्लियर है? पूरा डाउट क्लियर है सर, पूरा डाउट क्लियर। जो सर 10 से 15 दिन में सीखना चाहिए वो 2 दिन में सीख चुके हैं हम। बराबर। तो
और उसके बाद में मैं हैंड स्किल की बात करूं मैं तो क्लियर है आपका सर। हैंड स्किल तो समझ लीजिए कि सर तो एक तो सबसे पहले बताते ट्रिक के साथ, अगर फिर भी ना समझ में आए तो सर साथ में बैठा के उस चीज़ को करवाते, जो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में, लंबे समय से भी हो, बुला लो बाकी सब जो आप इतने लंबे समय से इस फील्ड में भी हो और इतने लंबे समय से होने के बाद आपने फील्ड में वापस आपने सोचा कि मैं प्रो लेवल पे वापस ज्वाइन करूं एशिया टेलीकॉम को एक प्रो लेवल पे आने के लिए। यस सर। तो बताइए मेरे को कि कैसा क्या नॉलेज मिल रहा है आपको? अभी तक मैं जिस तरह काम कर रहा था मुझे लग रहा था मैं इनकम्प्लीट हूँ। हाँ। मुझे और भी बेटर तरीके से खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। बराबर। फॉर एग्जांपल मैं एक सीपीयू जो अभी तक सबसे ज़्यादा टफ होता है उसको रिवॉल्व करना, वो रिवॉल्व मैं जब पहले करता था यहाँ आने से पहले तो एक रिवॉल्व आईसी को रिवॉल्व करने के लिए मुझे घंटों लग जाते थे, मैं परेशान हो जाता था, फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता था। बराबर। मैंने मेहनत ज़्यादा लगता था। बराबर। लेकिन एशिया टेलीकॉम आने के बाद लोग सर सोचते होंगे ऐसा क्या मैजिक होता है कि दो दिन में ही स्टूडेंट मतलब परफेक्ट काम करने लगते हैं। इसके पीछे एक ही रीज़न है सर कि यहाँ जो टेक्निक और एक परफेक्ट ट्रिक्स का यूज करता है बस हम उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। आज मैंने एमडी सर का वही मेथड यूज किया और एक ही चांस में ड्यूल डेकर का सीपीयू परफेक्टली तरीके से बनाया, मैं खुद ही सरप्राइज हो जा रहा हूँ। देखो इसके लिए एमडी सर नहीं है, इसके लिए है टीम एशिया टेलीकॉम। अब जो भी आगे से कोई भी चीज़ अगर बोलेंगे तो सब मिलता है एशिया टेलीकॉम टीम से। यस सर। यहाँ पे ना तो कोई मिलन सर है ना, ना तो मिलन सर है, ना दुर्गेश सर है, ना दीपक सर है ना, ना एमडी सर है, यहाँ पर है एशिया टेलीकॉम एंड देव सर। तो आगे से जो भी हमारी बातचीत कम्युनिकेशन होगी उसके अंदर ऑलवेज बी एशिया टेलीकॉम। यस सर। है ना, ये हम टीम वर्क है हमारा। yes, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। अभी आप दूसरों से मिले नहीं हो, आप दूसरे टीचरों से मिले नहीं हो, एक टीचर आएंगे सॉफ्टवेयर 5 ट्रिक में आपका सॉफ्टवेयर एंड करा देंगे। आप सोच नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर की इतनी बड़ी फील्ड पर बाकी वहाँ से ट्रिक इतनी ईजी निकाल के देंगे आपको, आपका ओवर हो जाएगा। EMMC में लाजवाब प्रदर्शन मिलेगा आप, लाजवाब। उसमें हैंड स्किल भी मिलेगी, मोबाइल भी चालू होंगे आपके, मोबाइल भी चालू होने के साथ आपको EMMC का प्रो लेवल का नॉलेज मिलेगा। और ये सारे ये सब कुछ हम लोग जो हैं, हम लोग बाहर के नहीं हैं, हम लोग बाहर के नहीं हैं, हम एशिया टेलीकॉम का हिस्सा है। और एशिया टेलीकॉम ये जो जितने भी आपको टीचर दिख रहे हैं यहाँ पर सभी देव सर के स्टूडेंट हैं। क्या है ये? देव सर के स्टूडेंट है। और यहाँ पे जो पढ़ के कम से कम आज की इंडिया में 12 से 15 इंस्टीट्यूट डाल के बैठे हैं स्टूडेंट, वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। ये कारण क्या है? कभी हमने टेक्नोलॉजी को हमारे नॉलेज को हाइड नहीं किया, हम जो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डिलीवर करते हैं, कभी हाइड नहीं करा हमने। वो टेक्निक देने में भी हम कोई सुस्ती नहीं करते कि यार बच्चा आया सब चीज़ें खोल के दे दो, ऐसा नहीं है। जो है हमारे पास हम दिल खोल के देते हैं। आज जिम में हमारे कुछ भी नहीं है तो हम रात को वापस लेते हैं, सवेरे वापस आपको देते हैं। अगर मैंने ये सोच लिया कि मेरे जिम में बहुत सारा है तो मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अपडेट नहीं हो पाऊंगा। हम ऑलवेज भी अपडेट होते हैं। यहाँ के टीचर्स का सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सबसे स्पेशल और सबसे डिफरेंट लगा कि हम सवाल एक बार क्या 10 बार पूछे 20 बार पूछे कोई भी टीचर इरिटेट नहीं होते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे डिफरेंट चीज़ है सर। और मेरे को यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मैं बेझिझक बिना हेजिटेट कोई भी 10 बार पूछूं वो परेशान नहीं होते, वो तो और एक्साइट रहते कि कोई स्टूडेंट पूछे मेरे से। बराबर। ये सबसे बेटर चीज़ लगी इन यहाँ के टीचर्स की सर मुझे। तो मैं ओवरऑल और थ्रू आपसे लास्ट में ये बात करना चाहूँगा कि 2 दिन कंपोनेंट की क्लास हुई, कंपोनेंट का अब तुम्हारे दिमाग में क्या डेवलपमेंट बना है? आपने शायद 2 दिन में 14 घंटे या 12 घंटे की देव सर से अकेले से क्लास लिया, तो कंपोनेंट का अब कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारे दिमाग में? अभी सर ये तो मैं तो यही बोलूंगा, अभी बोर्ड देखने का नजरिया बहुत हद तक चेंज हो गया है ना। दो तो दिन कल की क्लास में तो बोलोगे कि भैया मेरा बोर्ड मैं तो आंख में से देखूंगा और सब आईसी बता दूंगा। कल की स्पेशल क्लास होने वाली है आपकी। यस सर। बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। यस सर। उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप, ना दूसरा इंस्टीट्यूट वाला दे सकता है। रीजन है कि वो कोई भी स्कीमेटिक कंटेंट नहीं है, वो इस कंटेंट है पर्सनल उनके एक्सपीरियंस का। इस फील्ड में 2013 से 2022 चल रहा है, आने वाले टाइम में 10 साल हमको पूरे हो जाएंगे, 23 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। और ये खारी की खारी एक्सपीरियंस है, वो पूरा एक्सपीरियंस की क्लास मिलेगी कल आपको, टेबल मिलेगी आपको, एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरा नाम विकास यादव, मैं झारखंड से हूँ। हाँ जी, इतना यहाँ पे सुना था नाम, उससे ज़्यादा ही कुछ मिल रहा है। विकास, झारखंड से इतनी दूर जबलपुर आए हैं आप, और मतलब
क्या सोच के आए थे और क्या मिला आपको? जो सोच के आए थे उससे ज़्यादा ही मिल रहा है सर। ज़्यादा मिल रहा है जी सर। तो बताइए, दो दिन की क्लास कंपोनेंट सहित, हैंड स्किल सहित, कंपोनेंट पूरा फुल जानकारी हो गया सर। सेट का तो कोई भी कंपोनेंट्स कहीं भी देख के बता सकते हैं कौन कौन कंपोनेंट कौन सा है। तो उसकी वजह कौन है? देवता का सर। कौन सा? ये जो पीछे टीवी में चल रहा है यही है जी सर। तो सर क्या है, नॉलेज की फैक्ट्री बोल सकते हैं जी सर? ज्ञान का भंडार जी सर, ज्ञान का सागर जी सर, है कि नहीं है? अब बताओ, इस फील्ड में अभी तक अगर पूरे इंडिया के इंस्टीट्यूट में जाओगे आप, तो क्या ये कंपोनेंट की क्लास अगर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट वाला कोई टीचर देता तो क्या होता है? आधे महीने खींच जाती हो क्लास। कितने दिन बीत जाती? आधे महीने। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है? समझ में नहीं आता यार। सबसे खास बात है कि प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों, सब थ्योरी बात तुरंत प्रैक्टिकल होता है, वो ज्यादा समझ में आता है, वो ज्यादा सारी चीजें क्लियर होती है आपकी जी सर। ये सर ने ही क्लास रखी है आपकी और आपके लिए ही रखी हुई है। किस लिए रखी है? किस लिए रखी है कि भैया इधर सीख के आओ, इधर समझ के आओ और इधर पीसीबी पे पलटा दो उसको, जो भी दिक्कत है तो उस पर कंफर्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म हो जाओ, हाथ के हाथ कंफर्म करो। और देखो, ये हमारी लर्निंग है और एशिया टेलीकॉम ने खाली एक दिन, दो दिन, तीस दिन की क्लास नहीं है, ये जीवन भर का काम है। एशिया टेलीकॉम अपने स्टूडेंट को जीवन भर लेके चलता है। तो आपको गौरवित होना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़े हो कि वो जिंदगी भर आपको सपोर्ट करने का वादा करता है। तो एशिया टेलीकॉम जो वादा करता है पूरा करता है कि नहीं करता? यस सर। थोड़ा व्यूअर्स को बता दो कि 12 घंटे की क्लास होती है कि नहीं? यस सर। ज्यादा नहीं, 14 घंटा, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। होती 12 घंटे की है, पर हम जब तक नहीं जाते तब तक हमको डाउट क्लियर नहीं हो जाता, और डाउट जब तक क्लियर नहीं होता तब हम जाते ही नहीं है। कोई टीचर ऐसा जल्दी में रहता है कि भैया बाप तो हो गया? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कोई जल्दी में रहता है? नहीं सर, हम जितने बार पूछते रहते हैं उतने बार बताते रहते हैं और डीपली बताते हैं। जितने बार पूछते हैं उतने बार इरिटेट नहीं होते, वो एक मेन चीज़ है। और सर, पहली बार तो हम सीपीयू यूनिवर्सल स्टेंसिल में सोचना ही हमने अपने को दिमाग में आउट हो जाता था, अभी ना एक मतलब एक दो सेकंड में बना देते हैं। बराबर बराबर। और सर, जैसे पीसीबी का कंपोनेंट हो गया, पीसीबी का हम देखते ही क्या है क्या नहीं, बस ऐसे देखते थे लेकिन कुछ पता नहीं था अपने को। हम दो दिन में ए टू जेड जितना भी कंपोनेंट लगा सबका नाम के साथ उसका रीडिंग सब बता सकते हैं अभी दो दिन क्लास में। मैं बोलूंगा कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे पीसीबी रखो और सारे डायोड को देख लो, खाली आंख से देख के बता दोगे? हां सर, आंख से देख के बता दे सर। रीडिंग मल्टीमीटर लगाना दूर की बात नहीं सर, आंख से देख के बता दोगे? हां सर, कौन सा डायोड है, क्या है, कॉइल है, कैपेसिटर, सब बता सकते हैं। और सर, जो हमारा बोर्नियो वगैरह उसका भी नॉलेज मिला आज हमको, बोर्नियो स्कीमेटिक, उसमें कौन कौन सा, बोर्नियो में भी बहुत सारा फॉल्ट रहता है जो कि सारी बता सकते हैं, मतलब इतना इतना फॉल्ट निकाले जो बोर्नियो, इतना इतना बड़ा टेक्नीशियन भी बता नहीं पाते थे, वो अपना देव सर बता दिया। तो आपको खुश कैसा लग रहा है इस प्रो लेवल की टीम के साथ, बड़ी टीम के साथ, छह टीचरों की टीम के साथ? बहुत बहुत। और सर, स्पेशल तो सर एमडी सर का मैं बता। अरे भाई, एशिया टेलीकॉम है, यहाँ पे कोई एमडी सर नहीं है एशिया टेलीकॉम में। हाँ, मैं वैसे दो दिन में सर जो देखा वैसे बोलूंगा सर, एमडी सर जो जितना डाउट है ना वो डबल डबल क्लियर करवाते हैं। सर ने मेरे को बिठाई इसलिए। हाँ सर, आओ बच्चों के डाउट यहाँ पे पूरे क्लियर करो। हाँ। अगर वहाँ से कोई चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, जरूरी है और ये सर की नीति है। हाँ सर, ये सर करवा रहे हैं। ऐसे टेलीकॉम टीम ही सब बहुत बढ़िया है, पूरा सब आपको डेलीगेशन ही मिलेगा और आने वाले दो टीचर हैं आपके साथ, वो भी आपको डेलीगेशन वाले ही मिलेंगे। चलिए मेरे साथ चाहत बताइए मेरे को, चाहत एशिया टेलीकॉम से चाहत हुई कि नहीं तुमको? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा चाहत हुई। यस सर। तो क्या बोलना चाहेंगे दो दिन की क्लास में? जो लोगों को लगता है कि इन लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अच्छा, ये टाइम पास नहीं हो रहा है सर, पूरा इस्तेमाल होता है एक एक मिनट का सर, ब्रेक भी नहीं रहते हमको, हमको तो मांगना पड़ता है मुझसे, सर थोड़ा ब्रेक दे दो सर, हमारा दिमाग नहीं ले पाएगा इसके आगे, हमको मांगना पड़ता है मुझसे, तब जाके मिलता है ब्रेक भी। ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, दो दिन की क्लास कंपोनेंट की, अभी पीसीबी में जो कंपोनेंट देखते हो तो वो जाने पहचाने रिश्तेदार लगते हैं कि नहीं? जितना भी देखते सब लगता है, सब जाना पहचाने, जान पहचाने, काम भी जाना पहचाना है और दिखते भी जाने पहचाने, किसका कितना वैल्यू है, किसका क्या काम है, सब। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सब आ जाइए इधर, हो गए उधर सब? जी सर। उधर का देख लो, उधर सब हो गए, कोई बचा तो नहीं? तो ये है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट, नाम बताइए अपना। नमस्ते, मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है। अशोक पूरा नेपाल देख रहा है आपको जी, है ना? और सर, मेरा नाम है रंजीत। रंजीत पूरा नेपाल के लोग देख रहे हैं आपको। सर, म नेपालबाट आएको छु, म धर्मेन्द्र चौधरी हो। धर्मेन्द्र चौधरी हजुर।
तो मैं सबसे पहले आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो सीखने की टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले आपने इंडिया को चुना, है ना, इंडिया को आपने चुना कि यार भारत देश में जाके हम जाके सीखें। तो हमारा भारत देश कैसा लगा और एशिया टेलीकॉम कैसा लगा दो दिन की क्लास में? बहुत अच्छा लगा सर, है बहुत अच्छा लगा, यहाँ के टीचर हो गया और जो फ्रेंड सब है बहुत अच्छा है सर। बराबर है, तो मिलके रहते हैं हम। बराबर, हम क्लास की बात करें तो दो दिन की क्लास में क्या मिला आपको? सर बहुत कुछ मिला, अब क्या लग रहा है जो मदरबोर्ड है ना कोई भी आईसी दे दो ऑन सेट को हम निकाल के आईसी रिबॉलिंग करके लगा के ऑन कर दूंगा सर। बराबर, उतना कॉन्फिडेंट आ रहा है। बाकी सबसे बड़ी मेन क्लास है आपकी देव सर के साथ जो है कि आपकी काई की कंपोनेंट की क्लास है, कंपोनेंट की क्लास है। वो कंपोनेंट से जान पहचान हुई कि नहीं, तुम्हारी दोस्ती हुई कि नहीं हुई? बहुत हुई सर, हो गई पूरी दोस्ती, हो गई पूरी सर। डायोड कॉइल कैपेसिटर रजिस्टर लो वैल्यू हाई वैल्यू है ना, थर्मिस्टर कोट रजिस्टर है ना, फ्यूज रजिस्टर है ना, ये सारे जाने पहचाने लगते हैं कि नहीं लगते? बहुत पहचानते नहीं थे लेकिन दो दिन के अंतराल में हम सब कुछ पहचानने लगे। तो खाली अभी तो दो दिन की क्लास हुई है, दो दिन की क्लास में आप इतना बड़ा बड़ा रिव्यू दे रहे हो, तो वाकई में आपको मिला है कि ऐसे ही दे रहे हो आप? नहीं मिला सर, सोचो से ज्यादा भी मिला, सोचने से भी ज्यादा बहुत कुछ मिल गया। इतना सोच के आए थे आप घर से कि इतना नहीं सर, नहीं सर, उससे ज्यादा ही मिल गया, सोच से ज्यादा मिल गया, इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कोई भी शेयर दे दो हम कर देंगे सर। दो दिन के क्लास में, दो दिन के क्लास में अभी बहुत अभी बाकी है, बाकी है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?